उनका उनका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो। राहुल गांधी के सिर पर पड़ती जिस हरे रंग की रोशनी को कांग्रेस राहुल की सुरक्षा में सेंध बता रही थी, उसे गृह मंत्रालय ने मोबाइल फोन की मामूली रोशनी करार दिया है। तस्वीरें कल यानी अमेठी के नामांकन के दौरान की हैं, जब राफेल पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दे रहे थे। सवाल जवाब की इसी आपाधापी के बीच उनके सिर पर लगातार एक हरी रोशनी भी रहकर चमक रही थी। गृह मंत्रालय का कहना है कि एसपीजी के डायरेक्टर ने गृह मंत्रालय को सूचित किया है कि उन्होंने इस वीडियो की पड़ताल कर ली है। एसपीजी के मुताबिक राहुल गांधी के सिर पर दिखाई दे रही हरी रोशनी मोबाइल फोन की है, जो AICC का फोटोग्राफर इस्तेमाल कर रहा था, और इससे कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस को लग रहा है कि लेजर की ये रोशनी किसी स्नाइपर बंदूक से निकली हो सकती है, लिहाजा राहुल पर खतरे की आशंका मानते हुए कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को खत लिखा था। जैसा कि आप जानते हैं, देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। अमेठी में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के सिर पर कई बार हरी लेजर की रोशनी दिखाई दी। वीडियो की पड़ताल से फौरी तौर पर यह लगता है कि ये लेजर किसी स्नाइपर गन जैसे घातक हथियार से निकली होगी। किसी भी राजनीतिक मतभेद को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी की सुरक्षा आपकी सरकार की पहली जिम्मेदारी है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मामले की तुरंत जांच की जाए और किसी भी संभावित खतरे को खत्म किया जाए। हिंदुस्तान के दो प्रधानमंत्री आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं। राजीव गांधी पर हमला भी चुनाव प्रचार के दौरान ही हुआ था। कांग्रेस को राहुल गांधी के लिए भी यही डर सता रहा है, लिहाजा राहुल पर खतरे की हर संभावना को खत्म करना सुरक्षा एजेंसियों की पहली जिम्मेदारी है। आज तक देखो।